नमस्कार भक्तों, हर एक पुरुष चाहता है कि वो किसी ना किसी स्त्री को अपने वश में करे और हर स्त्री चाहती है कि उसके वश में कोई पुरुष हो। इसलिए आज आपके लिए लेकर आए हैं एक स्त्री और पुरुष महाशक्तिशाली वशीकरण टोटका, जो कि 2020 में सिद्ध किया जा रहा है और इसी वजह से ये शक्तिशाली टोटका है जिसमें हम इस्तेमाल करेंगे पान के दो पत्तों का, जिससे आप किसी भी स्त्री या पुरुष को अपने वश में कर पाएंगे। आप अपने घर पर ही बैठकर उस स्त्री या पुरुष का नाम लिखकर उसे अपने काबू में यानी कि उसे अपने वश में कर सकते हैं। तो भक्तों, आज हम आपको बताते हैं कि कैसे आप किसी भी स्त्री को अपने वश में कर पाएंगे। इसके लिए आपको चाहिए होंगे दो पान के पत्ते। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाएं, जिससे कि आपको हमारे सारे वीडियो सबसे पहले मिलेंगे और अगर आपके जीवन में कोई और समस्या है तो उसका हल भी आपको तुरंत मिल जाएगा। तो आपको बताते हैं आइए इसके बारे में। तो आपको क्या करना है कि रविवार के दिन या फिर बुधवार के दिन ये वशीकरण का उपाय करना है। तो रविवार के दिन आप दो पान के पत्ते ले आइए और जहां पर आप पूजा करते हैं, जहां पर आपके घर में पूजा स्थल हो, वहां पर आपको बैठ जाना है। एक आसन बिछा लीजिए और पूरब की तरफ मुंह करके बैठ जाइए। इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए ताकि आपको पता चलेगा कि स्त्री या पुरुष को वश में करने का ये महाशक्तिशाली वशीकरण टोटका क्या है। इससे आप सिर्फ एक घंटे में किसी भी स्त्री या पुरुष को अपने वश में कर सकते हैं। आप जो चाहेंगे, आप जो करवाना चाहेंगे, वो स्त्री वही करेगी। सबसे पहले आपको करना क्या है कि जिस भी स्त्री या पुरुष को आप वश में करना चाहते हैं उसका नाम आपको एक पान के पत्ते के ऊपर लिख देना है। अब देखिए, जैसे कि मैं आपको लिख के बताती हूँ, मान लीजिए उस स्त्री का नाम अगर है गीता तो आप यहाँ पर लिख दीजिए गीता, और उसके बाद आपको इस पत्ते के बाद बीच में बनाना है एक प्लस का चिन्ह। इस तरह से एक प्लस का चिन्ह बनाइए और अपना नाम लिख दीजिए। मान लीजिए कि आपका, अगर आप नाम लिखते हैं सुरेश, तो पत्ते पर आपको ये इस तरह से लिख देना है। तो मैंने बनाया गीता और उस पर बनाया है प्लस का निशान और नीचे लिखा है आपका नाम, यानी कि आप जिसको भी अपने वश में करना चाहते हैं उसका नाम ऊपर होना चाहिए, उसका नाम ऊपर होना चाहिए, और फिर प्लस का चिन्ह बनाइए और फिर अपना नाम लिख दीजिए। तो इस तरह से आपको नाम लिखना है। आप उस स्त्री का नाम लिखिए जिसे आप वश में करना चाहते हैं, प्लस का एक चिन्ह बनाइए और फिर अपना नाम लिख दीजिए। अगर आपको इसमें कोई भी चीज़ है जो नहीं समझ में आ रही है तो आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको उसका जवाब ज़रूर देंगे। और ये भी याद रखिए कि आपको, तो देखिए मैंने लिखा है लड़की का नाम, फिर बनाया है इस पे प्लस का चिन्ह और उसके बाद लिखा है लड़के का नाम। तो इस तरह से आप ये बना लीजिए। और अगर आपको कोई भी सवाल है या आपके दिमाग में कोई भी डाउट चल रहा है तो आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। आप इसे घर बैठे ही कर सकते हैं और इससे कोई भी स्त्री सिर्फ एक घंटे में आपके वश में होगी। दूसरा जो पान का पत्ता मैंने यहाँ पे लिया है, उसमें हमें क्या करना है कि 2020 में हमने एक मंत्र को सिद्ध किया है, तो वो मंत्र आपको ये दूसरे पत्ते पर लिख लेना है। ये मंत्र है ओम ध्रुवा अमुकम। अमुकम जो है वहां पर आपको लड़की का नाम लिखना है। तो यहां पर जैसा कि मैंने लड़की का नाम गीता लिखा था, तो गीता वश्य कुरु स्वाहा, आपको इस तरह से यहां पर लिख देना है। और अंत में आपको एक बना देना है स्वास्तिक का निशान, इस तरह से। तो ये जो दूसरा है पान का पत्ता, उस पर मैंने ये मंत्र इस तरह से लिख दिया है। आप देख सकते हैं, इस मंत्र को आप ध्यान से देखिए क्योंकि मंत्र आपको इसी तरह से लिखना है। इसमें कोई भी गलती या कोई भी अगर परेशानी हो रही हो तो आप हमें ज़रूर बताइए हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर। उसके बाद आपके ये दोनों पत्ते अभी तैयार हैं, इसके द्वारा आप वशीकरण कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि मैंने इस तरह से ये लौंग ले ली है,
तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि लौंग जो है वो इस तरह से फुल होनी चाहिए, यानी कि इस तरह उस पर फूल लगा होना चाहिए। कोई भी खंडित लौंग नहीं लेंगे और 11 लौंग गिनकर आप ले लीजिए। तो सभी साबुत लौंग होनी चाहिए, 11 लौंग ले लीजिए। और उसके बाद आप इस लौंग को आपको इस पत्ते के ऊपर रख देना है। ये जो 11 लौंग है, ये जो हमने मंत्र लिखा था उस पत्ते के ऊपर आपको ये 11 लौंग इस तरह से रख देनी है। अब इसके ऊपर आपको डालना है थोड़ा सा, ये आप देख सकते हैं मेरे हाथ में कुमकुम है, तो आपको इसके ऊपर एक चुटकी कुमकुम रख देना है। अभी कुमकुम को इस तरह से आप पान के पत्ते के ऊपर रख दीजिए। और उसके बाद ये जो पत्ता है जिस पर हमने लौंग रखी है और जिसके ऊपर हमने कुमकुम लगाया है, उसके ठीक इस पत्ते को आपको ऐसे उठाना है। और जो दूसरा वाला पत्ता है जिस पर आपने अपना और स्त्री का नाम लिखा था, जिसे आप वश में करना चाहते हैं, उस पत्ते को आपको नीचे रखना है। और उसके ऊपर भी आपको इसमें से ही थोड़ा सा चंदन नाम के ऊपर छिड़क देना है। अपने नाम पर भी छिड़क दीजिए और उस स्त्री के नाम पर भी छिड़क दीजिए जिसे आप ऐसे वश में करना चाहते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने इन दोनों जगहों पर ये इस तरह से कुमकुम लगा दिया है। अब ये जो मंत्र हमने इस पत्ते पे लिखा था, आपको इस मंत्र को 108 बार जाप करना है। इस मंत्र को ध्यान से आप किसी कागज पर भी लिख सकते हैं ताकि आपको इसमें कोई गलती ना हो, इसको इसका उच्चारण करने में कोई गलती ना करें। इस मंत्र को आपको 108 बार जाप करना है। इस प्रकार से आपको अपने हाथों में रख कर, यानी कि इसे आप अपने सीधे हाथ में रखिए, और उसके बाद जब 108 बार ये मंत्र हो जाए तो आपको ये जो दूसरा पत्ता है, इस दूसरे पत्ते के ऊपर फूंकना है। इस पत्ते के ऊपर जब आप इसे फूंकेंगे तो वो लड़की या वो स्त्री जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं, वो मात्र 1 घंटे के अंदर अंदर आपके लिए तड़पने लगेगी, आपके प्यार में पागल होने लगेगी और किसी ना किसी रूप में या तो आपको मैसेज करेगी या फिर मिलने के लिए संदेश पहुंचाएगी। आपके प्यार में वो पागल होने लग जाएगी। तो भक्तों, आप ये महावशीकरण टोटका करें। और अंत में आपको क्या करना है कि इन दोनों पत्तों को, आपको ये जो दूसरा वाला पत्ता है इसको आप इसके ऊपर इस तरह से रख दीजिए। और जब आप, जब ये पूरा वशीकरण हो जाए उसके बाद आपको इसे जाना है और बहते हुए पानी में बहा देना है। तो आपको इसे सीधे हाथ से ही पानी में छोड़ना है और उस समय आप उस स्त्री के बारे में सोचते रहिए जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं। ये आपका पत्ता बनके तैयार है, आपको इसका बस विसर्जन करना है। आप इसका विसर्जन कर देंगे, आप पीछे पलट कर मत देखिएगा। जब आप घर वापस आएंगे तो 1 घंटे के अंदर अंदर वो स्त्री या वो लड़की आपको कॉल ज़रूर करेगी। अगर आपको इसे करने में कोई भी परेशानी हो या दिक्कत हो तो आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर आप भेजें। गुरुजी आपकी समस्या का समाधान करेंगे और आपको जो भी परेशानी हो रही होगी उसका हल ज़रूर देंगे। तो हमारे इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद भक्तों।